देहरादून में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं प्रदेश में चुनाव को लेकर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं 9 फरवरी से 11 फरवरी तक भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी सहित सभी कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक एक बूथ में 24 घंटे का प्रवास भी कर रहे हैं। वहीं 24 घंटे प्रवास के दौरान उन बूथों में मौजूद सभी लाभार्थियों से संपर्क करने का भी काम किया जा रहा है। भाजपा के इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि गांव चलो अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम बूथ कमेटियों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि बूथ कमेटियों की समस्याओं का संगठन को पता लग सके। इसके साथ ही बूथ स्तर पर जाकर ग्राम पंचायत के सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि उन सुझावों को केंद्रीय संगठन तक पहुंचाने का काम किया जाए। देखिए, पार्टी का अखिल भारतीय कार्यक्रम है और हमने 3 विषयों को लेकर कार्यक्रम श्रृंखला बनाई है। गांव चलो अभियान, 24 घंटे हम पूरी तरह उस बूथ पर रहेंगे और 3-4 प्रकार के कार्यक्रम की श्रृंखला बनी है। पहला कार्यक्रम तो हमारा है कि हमारी जो बूथ कमेटी हमने बनाई है, बूथ कमेटी का सत्यापन हो, बूथ कमेटी की जो कुछ समस्याएं हैं उसका भी चर्चा हो, और क्योंकि केंद्र प्रदेश सरकार है तो सरकार से संदर्भ भी सुझाव ग्राम पंचायतों से आएंगे, उन सुझावों को भी सरकार तक पहुंचाएंगे। दूसरा, बूथ पर की वोटर्स है, अपने भिन्न भिन्न धर्मों के समुदाय के ऐसे वरिष्ठ लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के विचार से हम अवगत कराएंगे, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तीसरा, दूसरे दलों के जो पोलिंग एजेंट हैं हम उनसे भी आग्रह करेंगे, पूरा देश मोदी जी का चल रहा है, इसलिए आप सब लोग बीजेपी में आइए, उसका आह्वान लेकर भी हम